मित्रों, क्या आपके मन में कभी पूजा करते समय गंदे और अश्लील विचार आए हैं, जिन्हें आप कितना भी रोकना चाहें परंतु फिर भी आंख बंद करते ही वो पुनः आने लग जाते हो? यदि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है या फिर वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि ये ना तो कोई पाप है और ना ही ये आपकी पूजा को विफल करता है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ऐसा कहने के पीछे वो धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है जो ये बताते हैं कि पूजा करते समय ऐसे विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। तो ये सब जानने के लिए बने रहें आज के इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद मन के दो प्रकारों के बारे में बताता है, जिनमें से एक शुद्ध मन है तो वहीं दूसरा अशुद्ध। वो मन जिसमें मनुष्य की कामनाएं अर्थात विषय भोग के संकल्प उठते हैं, वो अशुद्ध मन होता है। और इसके विपरीत कामनाओं से रहित मन को ही शुद्ध मन कहा गया है। और मित्रों, विषय संकल्पों से रहित इसी मन को मोक्ष का कारण भी माना गया है, क्योंकि उस अवस्था में ये मन हृदय में लीन हो जाता है और वास्तव में यही ज्ञान और मोक्ष होता है। इसीलिए यदि आप भी इसे शुद्ध मन के मालिक बनना चाहते हैं, तो पूजा के समय गंदे विचार आने पर घबराए नहीं और उन्हें आने दे। जिस प्रकार जमीन में पानी के लिए बोर डालने पर पहले कुछ घंटों तक उसमें से गंदा पानी निकलता है और उसके बाद ही शुद्ध साफ पानी आना शुरू होता है, उसी प्रकार जैसे ही आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपके गंदे विचार और भाव निकलते हैं जो धीरे धीरे साफ होते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि ऐसा कोई साधक नहीं रहा जिसके पूजा पाठ में पहले गंदे विचार ना आए हो, बल्कि अनेकों उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी कई बार पूजा पाठ करते करते उनके मन में विषय वासना जाग जाती है। क्योंकि मित्रों, काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सभी ऐसे भाव हैं जिनका मन में उद्गम कभी भी हो सकता है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखें कि ऐसा होने पर अपनी पूजा अर्चना को ना रोके और उसमें तत्पर होकर लगे रहें, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन को साफ और शुद्ध करने में मदद करेगा। इसीलिए अशुभ होने के भय से अपने ध्यान को खंडित न करें। मन भले ही कहीं और जाए, लेकिन अपने तन को भगवान से दूर न जाने दें। इंतजार करें, शीघ्र ही आपके मन में अच्छे विचार भी आने लगेंगे। इसके लिए आपको अपने मन को वश में करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मित्रों, मुक्ति उपनिषद में भी यही कहा गया है कि जैसे हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं रहता, ऐसे ही मन आध्यात्मिक विद्या के ज्ञान, सत्संग, वासनाओं के त्याग और प्राणायाम के बिना वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात इन चारों का एक साथ प्रयोग करें तो इसे मन में किया जा सकता है। परंतु मित्रों, ये ना भूलें कि बलपूर्वक मन को वश में करना ऐसा है जैसे दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाना। इसे और सरलता से समझाने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक बार भिक्षुक आता है, जिसे देख सभी ग्रामवासी भिक्षुक के इर्द गिर्द जमावड़ा लगाकर अपनी अपनी समस्याएं बताने लगते हैं और उनसे उनका हल पूछते हैं। वहीं पर थोड़ी दूर खड़े ये सब देख रहे श्याम के मन में भी अपनी समस्या का समाधान पूछने का मन किया और वो उनसे जाकर पूछने लगा, हे महात्मा, कृपा कर मुझे ये बताएं कि इस मन को वश में कैसे करूं। इस पर भिक्षु ने उत्तर दिया, बालक, ये तो बहुत आसान है, इसके लिए बस तुम्हें ध्यान करना होगा। श्याम बोलने लगा, आपने ये तो बता दिया कि इसका हल ध्यान है, परंतु ध्यान कब और कैसे करना चाहिए ये भी बताएं। तब भिक्षुक ने उसकी जिज्ञासा को शांत किया और बताया कि ध्यान का कोई समय नहीं होता और इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। फिर क्या था, श्याम ध्यान करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसके मन में गंदे और अश्लील विचार आना बंद नहीं हुए। फिर वो अगली सुबह उस भिक्षुक के पास पहुंचा और बोलने लगा, मेरे मन में जो गंदे ख्याल आ रहे हैं उन पर मेरा कोई बस नहीं, मेरा उचित मार्गदर्शन करें। तब भिक्षुक ने कहा, हे बालक, विचार कभी भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं होते, इन्हें आने दो, क्योंकि विचारों का विरोध उन्हें और भी शक्ति देता है और तुम्हारा मन भी उसी चीज में ज्यादा रस लेता है जिसे रोका जाए। इसीलिए जीवन के किसी भी सत्य को अस्वीकार नहीं करो,
काम वासना तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, पर तुम्हारा जीवन नहीं। और मन को वश में करने की इस राह में सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो और ध्यान के जरिए अपनी खोज में लगे रहो। जिस दिन तुम अपने आप को अच्छे से जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए मन को वश में करना भी आसान हो जाएगा। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और इसे शुद्धता की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को आप जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि कई लोगों के मन में मानसिक तनाव, उचित आहार की कमी, अकेलेपन और संक्रमण के चलते भी इन विचारों को वश में नहीं किया जा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो अगर प्रस्तुति पसंद आई हो, इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।